क्या आपके घर में बच्चों को सिर्फ पिज़्ज़ा और पास्ता खाना बहुत पसंद है और आप चाहते हैं कि वो बहुत सारे वेजिटेबल्स खाएं? तो आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आज बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स डाल के बना रहे हैं चीज़ी वेज टार्ट्स। बहुत आसान रेसिपी है, झटपट बन जाती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये हैं वो सब वेजीज जो हम वेज टार्ट में डालने वाले हैं। स्वीट कॉर्न और मटर को हमने बॉईल किया हुआ है, पार्शियली बॉईल किया हुआ है इसलिए वो थोड़े से सॉफ्ट हैं। और गाजर, बीन्स और कैप्सिकम को हमने बहुत ही फाइनली चॉप किया हुआ है। और शुरू कर रहे हैं वेज टार्ट्स की फिलिंग बनाने से, और उसे बनाएंगे इस कढ़ाई में। कढ़ाई को चढ़ा दिया हमने गैस पे, डाल रहे हैं ऑयल। ऑयल के गर्म होते इसमें सब जितने भी वेजिटेबल्स डाल रहे हैं वो इसमें डाल देंगे। तो ये गैस में मटर, स्वीट कॉर्न, ये दोनों बॉईल किए हुए हैं, पार्शियली बॉईल किए हुए हैं, ये है बीन्स, और डाल रहे हैं इसमें गाजर। वैसे कैप्सिकम हमने काट के रखा है लेकिन उसे बाद में डालेंगे क्योंकि कैप्सिकम को बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे आप इसमें कैबेज, ब्रोकोली, जुकिनी, अपने चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, लेकिन आप जो भी वेजिटेबल्स डालें उन्हें बहुत ही फाइनली चॉप करिएगा। डाल दिया नमक, इसे डालिएगा स्वाद के अनुसार। और अब इन वेजिटेबल्स को हम सॉटे करेंगे। तो हल्के से सॉटे करके रख दिया है ढक्कन, और ढक्कन उठा के बीच बीच में चेक करते रहिएगा। वैसे इन्हें तब तक पकाना है जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, खाने लायक नहीं हो जाते हैं। अगर आपको क्रंची बहुत पसंद है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और इनके कुक होने के लिए, इनके सॉफ्ट होने तक लगेंगे आपको करीबन 7 से 8 मिनट। और ये पूरी कुकिंग धीमी आंच या मीडियम आंच पर करिएगा क्योंकि नहीं तो ये जल सकते हैं। तो हमारे वेजीज काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। एंड में डाल रहे हैं कैप्सिकम, और इसे भी मिक्स करके बस 2 से 3 मिनट और पकाना है। और हमारे वेजीज हो चुके हैं रेडी, इन्हें उतार दे रहे हैं गैस से। और चलिए अब करते हैं आगे का स्टेप। और अब बनाएंगे बहुत ही चीजी और बटरी सॉस। तो कढ़ाई में डाल दिया है बटर, आप सॉल्टेड अनसॉल्टेड जो चाहे ले सकते हैं। और इसमें डाल दे रहे हैं मैदा, और इस मैदे को हमने अब सॉटे करना है, इसे घुमाते हुए कुक करना है। गैस की आंच मीडियम या धीमी होनी चाहिए। बस 2 से 3 मिनट जैसे इसका रंग बदलना शुरू हो गया मतलब ये रेडी है। और इसमें डाल दे रहे हैं दूध, तो दूध को डाल रहे हैं बैचेस में सिर्फ इसलिए ताकि हम अच्छी तरह से मिक्स कर पाए। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए इसलिए इसे बड़ी अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखेंगे तो मिक्सचर काफ़ी स्मूथ हो चुका है, बस इसे 2 से 3 मिनट तक घुमाते रहना है और आप देखेंगे कि ये बहुत ही थिक हो जाएगा। जैसे इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाती है इसमें डाल दे रहे हैं चीज़, तो चीज़ क्यूब्स को ग्रेट करके डाल रहे हैं। अब इसे तब तक पकाना है जब तक कि चीज़ हमारा पूरा अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है। तो हमें लगे हैं और 2 से 3 मिनट, और देखिए चीज़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। ये डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा नमक, ध्यान रहे कि चीज़ में भी नमक है और हमने वेजिस में भी नमक डाला है। तो हमारी ये चीज़ी सॉस हो चुकी है रेडी। तो बताएं ये चीज़ी सॉस ऑलरेडी बहुत स्वादिष्ट लग रही है ना। इसमें अब डाल दे रहे हैं हमारे सब वेजिस जो हमने कुक किए हुए हैं, और अब इन वेजिस को सॉस में कुक होने देंगे। तो बस घुमाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसे कुक करना है, गैस की आंच मीडियम होनी चाहिए। और अब एंड में डाल रहे हैं इसमें काली मिर्ची का पाउडर, ये है ब्लैक पेपर पाउडर, इसे भी कर दिया मिक्स। और हमारी ये चीज़ी वेज फिलिंग हो चुकी है रेडी। चलिए अब करते हैं आगे का स्टेप। और अब वेजी टार्ट्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम ये रेडीमेड कैनपीज। आइसक्रीम कोन के बिस्किट के जैसे होते हैं, आप बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको ये नहीं मिलते हैं तो आप इसमें पानी पूरी के पूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब चीज़ी वेज फिलिंग को डालते जाएंगे सब टार्ट्स में। 1 स्पून एक टार्ट में काफ़ी हो जाएगा। वैसे इन्हें डालिएगा टार्ट्स में सॉस के अच्छी तरह ठंडा होने के बाद। अगर आप गर्मा गर्म डाल देंगे ना तो ये टार्ट सॉगी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। और बस अब फिलिंग करने के बाद इन टार्ट्स को गार्निश कर रहे हैं ग्रेटेड चीज़ के साथ। तो कैसे लग रहे हैं? लग रहे हैं ना स्वादिष्ट? आप किसी पार्टी में ये बहुत ही बड़े पैमाने पे बड़ी आसानी से और जल्दी बना सकते हैं।
तो आई होप आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है और आप इसे इस वीकेंड ही ज़रूर ट्राई करेंगे। हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी वेजी टार्ट्स कैसे बने, और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।